दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि अपने मोबाइल से आप किस प्रकार से पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को उमंग लिख के सर्च कर लेना है। जैसे उमंग लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ मेरा पहले से इंस्टॉल इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको ओपन बटन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। अगर आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। अगर आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो लॉगिन करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को ई पी एफ ओ लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, देखिए खुल रहा है, खुल गया है देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एडवांस क्लेम कोविड 19, यहाँ से आप कोविड 19 के लिए एडवांस पीएफ का लिए क्लेम कर सकते हैं। फ्रॉम टेंसी स्कीम सर्टिफिकेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद वेब पासबुक के लिए क्लेम कर सकते हैं, रिसाइज क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग क्लेम कर सकते हैं, यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे काम है जो यहाँ पर उमंग ऐप द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवांस पीएफ निकालने के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप जो रिक्वेस्ट फॉर एडवांस पीएफ इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर दे देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो मेम्बर आई डी नंबर है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस या जो पी एफ ऑफिस में आपने एड्रेस दिया वही एड्रेस आपको डालना है। आप कोई भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, जो आपको एड्रेस कोई भी हो जहाँ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर एड्रेस डाल लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ मैंने अपना एड्रेस डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे अगला सेटअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा पी एफ का आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्म 31 भर का आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ फॉर्म 31 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको योर बैक टू प्रेमिक, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट मिलेगा कोविड 19 वाला हमने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट में आपको जितना अमाउंट निकालना है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। जो अमाउंट आप निकालना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि अपने जो पासबुक है या आपके पास चेकबुक है उसका फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देना है। 500 KB का होना चाहिए, मिनिमम 100 KB का और मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए जो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद टिक लगाने के बाद गेट OTP बटन पर क्लिक कर देना है। गेट आधार OTP बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा एंटर करने का, उस पर एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे मैं अंदर का सब कुछ सही पाएगा तो तीन से चार दिन के अंदर में आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर विड्रॉवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।